इस हफ्ते मैं सीखूंगा हाउ टू स्पिन द बो स्टफ विद बेसिकली जीरो एक्सपीरियंस। मैं सीखूंगा 3 डिफरेंट स्पिनिंग ट्रिक फ्रॉम इजी टू हार्ड। डे 1 आवर 0। मैं खुद से सीखने की कोशिश की पर तो मैं यूट्यूब पर सर्च कर हाउ टू स्पिन द बो स्टफ और बहुत सारा वीडियोस देखने के बाद मैं स्टार्ट किया सबसे ईजीएस्ट स्पिनिंग ट्रिक से जो है द स्किप कैच। मैंने देखा ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में सेम टेक्निक अप्लाई हुआ है। सो अगर आप स्पिन को फास्ट करना चाहते हो तो आपको टेक्निक को समझना होगा। फर्स्ट अपने राइट हैंड से स्टंप को पकड़ना है, पाल्म को नीचे की ओर रखकर, और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर प्लेस करना है। जब तुम अपना स्टंप रोटेट और कैच करोगे स्टंप धीरे धीरे सेंटर से साइड में चला जाएगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टंप को रोटेट करना है और पहले वाले को स्किप करना है और दूसरे वाले को कैच करना है। और फिर से ये सेम टेक्निक लेफ्ट हैंड पे भी अप्लाई करना है, पहले वाला स्किप एंड सेकेंड वाला कैच, जिससे आपके हैंड स्टंप के मिडिल पोजीशन पे रहेंगे और स्टंप कंटिन्यूअसली स्पिन हो पाएगा। ये सेम मिस्टेक मैं भी फर्स्ट में कर रहा था, लेकिन टेक्निक को समझने के बाद मैं इजीली कर पा रहा हूँ। पर मुझे रोटेशन की स्पीड और भी इंक्रीज करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट स्ट्रिंग में जाने के लिए। सो मैं प्रैक्टिस करता रहा। रोटेशन की स्पीड बढ़ाने से मुझे नए नए प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। एंड आफ्टर 1 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस आई हैव दिस स्मूथ एंड फास्ट रोटेशन। तो स्किप कैच में कन्वर्ट होने के बाद मैं अपना नेक्स्ट ट्रिक अटेम्प्ट करना चाहता हूँ जो है ट्रिक नंबर 2 पिंकी लीड द वे। ये ट्रिक इजी है पर थर्ड ट्रिक सबसे हार्ड है। थर्ड ट्रिक पे जाने से पहले इस ट्रिक को अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये ट्रिक इजी है और रिस्की भी। सो मुझे पहले स्लोली स्टार्ट करना है और धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज करना है, पर सेफ्टी फर्स्ट। स्लोली प्रैक्टिस करते हुए जब मेरा मूवमेंट एकदम क्लीन होगा तब मैं अपना स्पीड इंक्रीज करूंगा। और इसे करने के लिए स्टंप को अपने बॉडी के साइड में घुमाना होता है। राइट हैंड से पाल्म को ऊपर की ओर रख कर स्टंप को पकड़ना है और अपोजिट हैंड को चेस्ट के पास रखना है। एंड देन स्टंप को राइट टू लेफ्ट स्कूपिंग मोशन में घुमाना होगा। एक साइड से दूसरे साइड जाने के समय स्टंप को नीचे से ऊपर करना है और फिर से अपोजिट साइड में स्टंप को ऊपर से नीचे करना है। द सीक्रेट इज अपने पिंकी फिंगर से लूजली पकड़ने से स्टंप इजीली अपने मोशन में रोटेट हो पाएगा, जिससे स्पीड और भी इंक्रीज होगा। इसे प्रैक्टिस करते टाइम मैंने फाइंड आउट कर स्टंप को लूजली पकड़ने से मेरा स्पीड और भी इंक्रीज हो रहा है। और एक साइड से दूसरे साइड पे जाने के लिए मैं अपना अपर बॉडी का यूज कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, जिससे मुझे स्मूथ और फास्ट रोटेशन मिल रहा है। अब मैं तैयार हूँ सबसे लास्ट और सबसे हार्ड ट्रिक को करने के लिए। ट्रिक नंबर 3 अराउंड द वर्ल्ड। ये ट्रिक फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रिक को कॉम्बाइन करने से पूरा होगा, पर यह सबसे डिफिकल्ट है। तो मैं स्लोली स्टार्ट किया और प्रैक्टिस करते टाइम स्टंप बार बार गिर रहा था मेरे हाथ से। तो मैंने फिर से कुछ ट्यूटोरियल्स देखा यूट्यूब पर और ट्रिक को समझने के बाद फिर से स्टार्ट किया और इस बार पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा। मैंने ट्यूटोरियल्स पे देखा कि अराउंड द वर्ल्ड करने के लिए अपने फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप रोटेट करते हुए अपने थर्ड ट्रिक को ऐड करना है। पर मैं अपना स्पीड इंक्रीज करते टाइम स्टंप बार बार गिर रहा था। तो मैं अपनी गलतियों को समझने के लिए अपना खुद का वीडियो क्लिप देखा और सारे मिस्टेक को अच्छे से फाइंड आउट करा और फिर से स्टार्ट किया सारे इन्फॉर्मेशन लेकर। एक्चुअली मुझे सेकेंड ट्रिक को बोथ साइड में सीखना था, पर मैं सिर्फ एक ही साइड में सीखा हूँ। सो मुझे अभी सेकेंड ट्रिक को अपोजिट साइड में सीखना है। एंड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस सेकेंड ट्रिक को अपोजिट साइड में भी सीख चुका हूँ। अब मैं अपना लास्ट ट्रिक को इजीली कर पाऊंगा। बैक टू द अराउंड द वर्ल्ड। फर्स्ट आपको स्किप कैच करना है एंड देन पिंकी लीड द वे ट्रिक को साइड से बैक पे लाना है और लेफ्ट हैंड से स्टंप को पकड़ना है, पर स्टंप को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के नीचे से पकड़ना है। और फिर लेफ्ट हैंड से पिंकी लीड द वे ट्रिक को बैक से फ्रंट पे लाना है, राइट हैंड से स्टंप को नीचे से पकड़ना है एंड देन सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। स्लोली प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश जारी रखा। एंड आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस आई गॉट इट। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो सो यू आर ग्रेट। अगर पॉसिबल हो तो लाइक कमेंट कर देना, जिससे मेरा वीडियो यूट्यूब खुद से रैंक करवाए, जिससे मेरा चैनल और भी ग्रो हो पाएगा। और इस चैनल में मैं नए नए स्किल सीखता हूँ एज फास्ट एज पॉसिबल। सो सब्सक्राइब फॉर मोर न्यू स्किल। अगर मेरे हिंदी में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं हिंदी भी सही से बोल पाऊँ।